आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। देश के लिए खूब लड़े थे, निस्वार्थ से भाव बड़े थे, अंधियारा भगाया दिखाई रोशनी, आज भी हमें खलती है वो कमी। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्रीदत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। वीरों का बसंत थे, अंग्रेजों का अंत थे, कलम का कमाल था, तलवार की धार थे। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी, इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। होठों पे अपने मुस्कान तैरती, आंखों में झलकती है नमी। 1937 में प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में बहुमत मिला और पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1955 को पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंत की मुख्य उपलब्धि थी। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। हाथों ने बहुत अनर्थ किए, पग ठौर कुठौर चले, मन के आगे भी खोटे लक्ष्य रहे, वाणी ने जाने अनजाने 100 झूठ कहे, पर आँखों ने हार दुख अवसान मृत्यु का अंधकार भी देखा, तो सच सच देखा। आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञे के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञे स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञे को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञेय को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई।
अज्ञेय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञेय ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय का निधन हो गया। महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार की ओर से श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।